गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6C। कल हमने इसके HCF निकाले थे, पेयर्स बना के कॉमन फैक्टर से करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करा था। आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइन द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड करेंगे। फर्स्ट है आपका 45 and 30। फाइंड द HCF ऑफ 45 and 30। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं बाय द रिपीटेड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आप ये जो आपको नंबर दिए हुए उससे इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। फर्स्ट इज 45। 45 का हम निकालेंगे रिपीटेड डिवीजन मेथड से। 3, 3 वन जा 3 और 3 फाइव जा 15। फिर देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 फाइव जा 15, देन 5 वन जा 5। इसी तरह से 30 को 2 वन जा 2 और 2 फाइव जा 10, 3 फाइव जा 15 एंड 5 वन जा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज 3 × 3 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 2 × 3 × 5। अब इसका सेकंड स्टेप जो है, अब हमें क्या करना है, जो ये प्राइम फैक्टर है 45 and 30 के, तो सर्कल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर आपको दिए गए हैं उनमें दोनों में आप देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो दोनों में 3 and 5 कॉमन है। तो स्टेप 3 इसमें क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर गिवन द HCF। दोनों के जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा, इनके HCF होगा। सो द HCF ऑफ 45 and 30 इज 3 × 5। तो 3 × 5 = 15। तो HCF ऑफ 45 and 30 इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, 40, 48 and 72। तो इसी स्टेप वाइज स्टेप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको रिपीटेड डिवीजन मेथड से करेंगे। 40 को 2 × 4 = 0, 2 × 1 = 2 = 0, 2 × 5 = 10। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके बाद जो है 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 × 5 = 5। तो इसका प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इज 2 × 2 × 2 × 5। अब 48 का प्राइम फैक्टर्स, तो इसको रिपीटेड डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8। फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। नेक्स्ट 2 × 6 = 12, देन 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। इसी तरह से आपको 72 को करना है, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12। नेक्स्ट 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 2 × 8 = 16। अब नेक्स्ट 18 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 × 9 = 18, देन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब 72 का करेंगे, 2 × 6 = 6, 2 × 6 = 12। नेक्स्ट 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज 2 × 2 × 2 × 3 ×3। अब थर्ड स्टेप इसकी जो है कॉमन, पहले तो आप ये सर्कल लगाएंगे, तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 then 2 and 2। तीनों में फिर इसमें 3 है, इसमें 2 है, फिर है 3 3 5, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपको कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 2। तो हेंस HCF ऑफ 40, 48 एंड 72 आर 2 2 जा 4 2
4 to the 8. So HCF of 40, 48 and 72 is 8. Next question है, अब ये बाकी के आपको homework में करना है. Okay, मैं अब आपको F और करके बता रही हूँ और बाकी के आपको ये homework में करना है. G, H, I and third one. थर्ड पोर्शन भी आपको होमवर्क में करना है. और अगर आपको नहीं आता कोई सम तो आप स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. 128, 136 एंड 512 इसको भी आपको डिटरमाइन करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो 128 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे रिपीटेड डिवीजन मेथड से. 2 6 12 और 2 4 8. नेक्स्ट 2 3 6 एंड 2 2 4. देन 2 1 2 और 2 6 12. 2 8 16. 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2. 136. 2 3 6 और 2 8 16. 2 3 6 और 2 4 8. 2 1 2 एंड 2 7 14. अब ये जो है 17 जो है प्राइम फैक्टर है. 17 1 17. तो इनके जो है नेक्स्ट है 512. तो इसको आप डिवाइड करेंगे 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12. देन 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 8 16. नेक्स्ट 2 6 12 और 2 4 8. नेक्स्ट 2 3 6 एंड 2 2 4. 2 1 2 एंड 2 6 12. 2 8 16. 2 4 8. 2 2 4 एंड 2 1 2. तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 इज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 136 इज 2 × 2 × 2 × 17. इसी तरह से 512 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. अब HCF ऑफ 128, 136 एंड 512 इज कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8. तो ये आपका HCF आएगा. ओके, तो इस तरह से आपको ये सेकंड और थर्ड आपको करने का नाम को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.